अरे हो पाया था। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की और देश के ऐसे प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय महत्व के हैं प्राथमिकता के आधार पर उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए जब एक कार्य योजना बनाई तो उसमें सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को ही बनाई थी। पिछले 4.5 साल के दौरान हम लोगों ने इस पूरे कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए 48% शेष कार्य को पूरा किया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के से लेकर के बैराज बनाने, नहर को बनाने की पूरी कार्य योजना को पूरा किया गया है और आज सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 6623 किलोमीटर लंबी है, 9 जनपद इससे आच्छादित हैं और जिसके माध्यम से लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और 30 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। इस राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 11 दिसंबर को बलरामपुर में होगा और इसी दिन से मैं यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जो बात कही थी कि 2022 तक अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के इस अभियान के क्रम में यह राष्ट्रीय परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की यह एक बड़ी सौगात भी है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये बड़ा प्रोजेक्ट आज बन करके पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। यह देश की नदी जोड़ो अभियान का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। घाघरा को सरयू जी से, सरयू को राप्ती से, राप्ती को बाणगंगा से, बाणगंगा से रोहिन नदी को जोड़ने में इसी सिलसिले में आज इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए स्वयं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद जी।